अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहरुख गोरखपुर बर्ड सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहरुख बर्ड लवर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सनकनोर के बच्चे कितने दिन में सेल्फ हो जाते हैं और इनको कितने दिन के बाद अपने पेरेंट्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त कन्फ्यूज़ रहते हैं और पूछते हैं कि सनकनोर कितने दिन में सेल्फ हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं आपको एक वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो दे दूँ। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दो बच्चे हैं जो बाहर पर्च पे बैठे हुए हैं और इनकी एज तकरीबन दोस्तों 75 डेज़ के करीब की हो चुकी है। और ये दो महीने के बाद मैं आपको बता दूँ कि ये बाहर आना स्टार्ट करते हैं बॉक्स से, और तकरीबन ढाई महीने के एज से ये सॉफ्ट फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्टिंग में ये दोस्तों सीड नहीं खाते हैं, बहुत ही कम दाना उठाते हैं और सिर्फ ये मुलायम चीज़ जो खाते हैं सॉफ्ट फूड में, जैसे पपीते हो गए, काले चना हो गया और भी जो मुलायम फल होता है वो सारे ये खाते हैं। और ढाई महीने के एज में आप इन पेरेंट्स से अलग कर सकते हैं और तकरीबन जो ये सेल्फ होते हैं दोस्तों, फुल्ली सीड वगैरह भी खाना स्टार्ट करते हैं, वो तकरीबन तीन महीने लग जाते हैं इनको फुल्ली सेल्फ होने में। लेकिन अगर ये ढाई महीने के हो जाएं तो आप इनको अपने माँ बाप से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये पेयर जो है मेरा दोस्तों दोबारा से अंडे पे आ चुका है और बहुत जल्द ये लेइंग स्टार्ट कर देगा। और इस केज में हमें बच्चों को रखना है तो मैंने पहले से सीड और जो है सॉफ्ट फूड लगा दिया है। तो आइए इनको हम इस केज में शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी इनको इस केज में शिफ्ट कर दिया है और अब ये इसी केज में रहेंगे और स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा कम जो है दाना उठाएंगे, और दाना तो अभी बिल्कुल नहीं उठाएंगे, ये सॉफ्ट फूड ही खाएंगे, काले चने ज़्यादा खाते हैं और पपीता ज़्यादा खाते हैं। तो इस वजह से मैंने अच्छी क्वांटिटी में इनको लगा दिया है और सीड भी लगा दिया है कि ये धीरे धीरे खाना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, तकरीबन आप ये समझ लीजिए, अगर आपने सनकनूर रखा है तो आपके जो बच्चे जब सेल्फ होने के करीब आएँ तो तकरीबन वो ढाई महीने के बाद ही उनको अलग करें। बहुत से लोग दो महीने में अलग कर देते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।